हेलो एवरीवन, अलजायका फूड्स किचन की जान महफिल की शान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़े के बीफ पाए बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा लुआबदार होते हैं। ये जोड़ों के दर्द को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। आप इसे सर्दियों में बनाकर खाएं। जिस तरह से हमने बनाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, तो आइए देख लेते हैं हमने इनको कैसे बनाया है। ये मैंने बड़े के ये दो पाए लिए हैं, इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। थोड़ा सा सिरका डालकर और नमक डालकर आप इसको अच्छे से धो लें। अब ये धुले हुए पाए को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ज़्यादातर लोग पाए बनाते हैं लेकिन उनके पाए में स्मेल रह जाती है। आप धोने से पहले इसमें नींबू डाल लें या सिरका डाल लें और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से वॉश करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी और ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे। कुकर को हमने गैस के ऊपर रख दिया है और हाई फ्लेम करके इसके अंदर 2 कप के करीब पानी डालेंगे। उबलते टाइम बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर रस बच जाए इसमें हम 3 हरी इलायची डालेंगे। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी अच्छा बढ़ जाता है। और 3 तेज़पात के पत्ते डालेंगे और 2 इंच सिनेमन स्टिक डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 कप पानी हम पहले डाल चुके हैं, 1 कप पानी और डालेंगे। अब इसकी लीड से कवर करके हम इसको हाई फ्लेम पर 45 से 50 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। हाई फ्लेम पर हमने 2 सीटी लेकर हमने लो फ्लेम के ऊपर पूरे 1 घंटे इसको पकाया है। अब खोलकर हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे बड़े के पाए थे, ये काफ़ी देर में गलते हैं। ये अच्छे से अब पक गए हैं। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 बड़ा सा भगोना लिया है, इसमें बहुत अच्छे से मसाला भून जाता है। सबसे पहले मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है और उसको अच्छे से गरम कर लिया है। अब जब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर स्लाइसेस की हुई ये छोटी सी प्याज डालेंगे और इसको हम गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है और ये अच्छे से कुक हो गई है, इसका सारा कच्चापन निकल गया है। अब इसमें हम ये 1 बड़ी प्याज हमने ये ग्राइंड करके इसके अंदर डालेंगे। थोड़ी सी हम ये फ्राई करेंगे और थोड़ी सी हम ग्राइंड करके डालेंगे, इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसको भी हम साथ में भून लेंगे। लहसुन अदरक प्याज को हम खूब अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सरफेस नहीं हो जाता और इसका सारा रॉ स्मेल सारी निकल नहीं जाती, जब तक हम इसको भून लेंगे। कोई भी हम खाना बनाए जब तक हम इसकी अच्छे से भुनाई निकल लेते हैं तो इसमें टेस्ट नहीं आता, हमें बहुत अच्छे से इसको भून लेना है। लहसुन अदरक हमारा भून चुका है, अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। आप इसकी जगह टमाटर भी डाल सकती हैं, ज़्यादातर लोग टमाटर डाल देते हैं लेकिन उससे जो टेस्ट नहीं आता जो दही से आता है। इसमें बहुत ज़्यादा दही भी नहीं जाता है, थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने दही डाला है। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम ये मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून के करीब हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। लाल मिर्च की क्वांटिटी हम थोड़ी कम रखेंगे, इसमें हमें हरी मिर्चें ऐड करनी है और हरी मिर्चें से ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पाए बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल देंगे तो ये जलन पैदा कर देते हैं, और पाए हल्की मिर्च के बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे टेस्टी बने। मसाले को अच्छे से भूनने के लिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। 1/2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हमने उबालते में भी डाला था। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी और अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 6-7 मिनट तक हमने मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया है, अब इसके अंदर पाए डाल देंगे
और पाए को भी हम डालने के बाद 10-15 मिनट पाए को भी अच्छे से भूनेंगे। सर्दियों में पाए खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा बोन मेरो होता है। जिन लोगों की हड्डियों से लुआब कम हो जाता है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, उनको तो हम महीने में 1-2 बार ज़रूर खाना चाहिए। इसमें हमने ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है, जितना हमें शोरबा रखना है उतना हम पानी ऐड कर देंगे और पानी डालने के बाद भी हम 10-15 मिनट और पकाएंगे। पानी डालने के बाद चेक कर लें आपका शोरबा किस तरह का है, अगर कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लें। इसको 10-15 मिनट हम ढककर पकाएंगे। दस पंद्रह मिनट के बाद आप खुद देख सकते हैं, देखिए कितना बेहतरीन हमारा शोरबा तैयार हो गया है। इसको हम हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निशिंग करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। पाए हमारे तैयार हो गए हैं, आप इसे नान के साथ खाएं या चपाती रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़ुबान पर स्वाद रखना, दुआओं में याद रखना। अपनी आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।